दोस्तों, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन आपने बहुत जतन कर लिए, आपका वजन घट ही नहीं रहा है। आप वेट गेन करना चाहते हैं, आपने बहुत जतन कर लिए लेकिन आपका वेट बढ़ ही नहीं रहा है। इस केस में आपको एक बार ये चेक करना चाहिए कि आपको थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है। अब थायराइड डिसऑर्डर है क्या, पहले ये समझते हैं। हमारे गर्दन पर उपस्थित थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है T3 और T4, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक तरीके से सुचारू ढंग से चलाने में मदद करते हैं। अब अगर ये यहाँ से निकलने वाले जो हार्मोन है T3 और T4, इनके सिक्रीशन में इम्बैलेंस हो जाए, यानी गड़बड़ी हो जाए, अगर ये अधिक मात्रा में सिक्रीट होने लगे तो हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, और अगर ये कम मात्रा में सिक्रीट होने लगे तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। तो चलिए आपको सिखाती हूँ किस तरीके से करेंगे ये 5 योगासनों का अभ्यास। लेकिन उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना, उसको बस दबा लीजिएगा और घंटी का निशान भी दबा लीजिएगा, सो दैट मैं कभी भी कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आपको आसानी से मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? तो आइए अब सीखते हैं वो 5 योगासन, लेकिन सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे हाफ कैमल पोज या अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास, फिर उसके बाद हम कैमल पोज या उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जिन लोगों की अभी स्पाइनल कॉर्ड इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है तो बिना परेशानी के भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, और जिनके घुटने में दर्द है वो तो थोड़ा रुके, क्योंकि घुटने पर खड़े होकर आप ये अभ्यास बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो पहले अपने दोनों घुटनों के बीच में आप अपने कंधे जितना फासला कर लें, ठीक है, कंधे जितना फासला ऐसे, और घुटने के बल ऐसे खड़े हो जाएं। तो सामने से अगर देखें तो मेरे दोनों घुटनों के बीच में मेरे कंधे जितना फासला है। फिर हम क्या करेंगे कि अपने टो को, जो पैर का अंगूठा है ना, इस ये आउट है, बाहर की तरफ है, ऐसे इस तरीके से टक नहीं किया, बाहर की तरफ, ताकि एंकल्स जो हैं वो आसानी से उसमें स्ट्रेच आए। अब दोनों पाम्स को, दोनों हथेलियों को अपनी कमर के ऊपर रख लें। कमर के ऊपर जैसे ही रखें, अभी देखिए मेरे कंधे जो हैं बिल्कुल इनएक्टिव हैं, नॉर्मल हैं। अब मैंने क्या किया, अपने कंधों को ऐसे रोल बैक किया। जैसे ही आप रोल बैक करते हैं तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पीछे, यानी थोरैसिक रीजन पर पीछे अच्छा आर्च आ रहा है और पूरी छाती पर अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। इस पोस्चर को हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए सिर्फ 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। हिप को आगे की तरफ पुश करें और गर्दन को जैसे ही ढीला छोड़ें और यहाँ पर सांसें लेते और छोड़ते रहें, और होल्ड करें पोस्चर को, होल्ड करें पोस्चर को, रोक के रखें यहाँ पे, और फिर उसके बाद पोस्चर को रिलीज करते हुए अपनी एड़ी के ऊपर फिर से बैठ जाएं। तो इस अभ्यास से जब आपकी गर्दन पीछे इस तरीके से ढीली आपने छोड़ी हुई है तो इससे आपके थायराइड ग्लैंड पर बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, जो कि मदद करता है थायराइड ग्लैंड के एक्टिवेशन में, है ना। अब अर्ध उष्ट्रासन या हाफ कैमल के बाद अब हम कर रहे हैं कैमल पोज या उष्ट्रासन का अभ्यास। वापस से घुटने के बल वैसे ही खड़े हो जाएंगे, ऐसे दोनों घुटनों के बीच में अपने कंधे जितना फासला कर लिया है। सांसों को, सांस लेंगे, सांसों को रोकेंगे और फिर पोस्चर को रिलीज करते हुए सांस को छोड़ देंगे। दोनों हाथों को कमर के ऊपर रख लिया, हिप को आगे की तरफ पुश किया और शोल्डर्स को रोल बैक किया, जिससे पूरी की पूरी चेस्ट अच्छी तरीके से ओपन हो जाए ताकि हमें आर्च करने में दिक्कत ना हो। सांस लिया, सांसों को रोका 10 सेकेंड के लिए और गर्दन को एकदम ढीली छोड़ दिया, हिप को आगे की तरफ पुश करते रहें, पुश करते रहें, गर्दन को पूरी ढीली छोड़ दें, और फिर उसके बाद अपनी एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। दोनों घुटनों के बीच में फासला किया हुआ है और आराम से दोनों हाथों को ऐसे स्ट्रेच करें और हेड डाउन कर लें और रेस्ट करें कम से कम 30 सेकेंड के लिए। अब बहुत से लोग ऐसे घुटने के बल खड़े नहीं हो पाएंगे, जो बुजुर्ग हो या घुटनों में उनके दर्द हो या कोई इंजरी हो, तो उनको भी तो अपना थायराइड जो है वो बैलेंस करना है ताकि वेट लॉस में मदद हो, वेट गेन में मदद हो। तो दोनों हाथों को आपने कमर के ऊपर रख लेना है, सेम चीज़ें वैसे ही, शोल्डर्स को रोल बैक करना है, सांस लेना है, सांसों को रोकना है, गर्दन को ढीली छोड़ देना है पीछे की तरफ, और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए
रिलीज कर देना है पॉस्चर को। तो इस तरीके से अभ्यास आपके जो थायराइड ग्लैंड है ना, इसके एक्टिवेशन में बहुत मदद करते हैं, जिससे कि आपके ये हॉर्मोन्स का जो सिक्रीशन है वो बैलेंस हो। तो पूरा का पूरा गर्दन जब आपने ढीली छोड़ी थी तो कितना अच्छा स्ट्रेच आया, तो ये मदद करेगा। अब आइए अगले पोस्चर का अभ्यास करते हैं, जो कि है कोबरा पोज या भुजंगासन का अभ्यास। इसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे, जिससे कि पूरे के पूरे दबाव आपके एब्डोमिनल रीजन पर पड़ेगा, और एब्डोमिनल रीजन पर पड़ने से आपकी डाइजेस्टिव फायर इंप्रूव होगी और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जो भी खाया पिया है वो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होगा। तो पेट के बल लेट जाते हैं, भुजंगासन का अभ्यास करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से कंडक्ट किया जाता है, ताकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने से आप हों इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को आसानी से कनेक्ट कर सके। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस सुबह 7 बजे से 8 बजे तक होती है। इन क्लासेस को अगर आप बिगनर हैं तो भी बिना झिझक ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा काम है हर एक आसन और हर एक प्रैक्टिसेस को आपके लिए बहुत आसान बनाना। इन क्लासेस को ज्वाइन करके स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिलती है, चाहे किसी भी तरीके की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर डिसीजेज हैं, चाहे डायबिटीज है, थायराइड है, ओबेसिटी की समस्या है, वेट लॉस करना है, वो समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं हो रहा है, हाइपर थायराइडिज्म है, हाइपोथायरायडिज्म की समस्या है, आपको हाइपरटेंशन की समस्या है, ब्लड प्रेशर बहुत लो रहता है या बहुत हाई रहता है, आपको रात में नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, पीसीओडी की समस्या, पीसीओएस की समस्या, इनफर्टिलिटी की समस्या, इन सारी समस्याओं में निरंतर योगा अभ्यास आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आप जो कुछ भी मेडिकेशन आपकी चल रही है ना, उसके साथ आप योगा अभ्यास ज़रूर करें। इन दोनों को आप जब साथ में करते हैं तो उन दवाइयों का असर भी आपके शरीर में बहुत अच्छी तरीके से, और थोड़े दिन में बहुत से केसेस में ऐसे भी देखा गया है कि दवाइयां जो है धीरे धीरे कम होती जाती हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप इन ऑनलाइन योगा क्लासेस को जूम के माध्यम से सुबह 7 बजे ज्वाइन नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते किसी कारण से, तो आप मेरे द्वारा डेवलप किए हुए योगा फॉर बिगनर्स के कोर्स हैं या प्राणायाम और मेडिटेशन का कोर्स है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप एक बार पेमेंट करते हैं तो आपको साल भर की वैलिडिटी मिल जाती है, सबसे अच्छी बात है ये, और आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप किसी भी वक्त इन वीडियोस को ऑन करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सारी की सारी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट www.yogawithshahida.com पर मिल जाएगी। और अगर आप वेबसाइट नहीं विजिट कर रहे हैं तो एक व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर, तो आपको सारी की सारी डिटेल मेरे टीम के द्वारा भेज दी जाएगी। तो अब आराम से आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे, हम अभ्यास करेंगे भुजंगासन, या इंग्लिश में इसको कोबरा पोज कहते हैं, ऐसे। और अब अपनी एड़ियों को जोड़ लें, हील टुगेदर, और अपने टो को, अंगूठे को ऐसे बाहर की तरफ लेके जाएं, और दोनों जो पाम्स है ना आपके हाथ की हथेलियां हैं, उसको अपनी चेस्ट के साइड में रखें। एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप भुजंगासन का अभ्यास करेंगे ना, तो इसमें पॉस्चर को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड पर इसका अच्छा असर तो आएगा ही आएगा, और आपके गर्दन को भी अच्छा स्ट्रेच और एक्सटेंडेड स्ट्रेच मिलेगा, जो कि थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर में बहुत मददगार है। तो दोनों पाम्स को ऐसे चेस्ट के साइड में रख लें, और अपने माथे को, हेड को ऐसे मैट पर ड्रॉप कर दें, ऐसे। और फिर सांस लेंगे, जैसे ही सांस लेते हुए धीरे धीरे हेड अप करें, और शोल्डर्स को रोल बैक करते हुए, थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हुए, अपने नाभि को, नेवल रीजन को आपने अपने मैट पर रखना है। बहुत ऐसे उठा नहीं देना है, नेवल रीजन को मैट पर रखना है और छत की तरफ देखना है, जिससे गर्दन पर आप वो स्ट्रेच महसूस कर सके। और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको अपने माथे को ड्रॉप कर देना है। 2 बार और इसका अभ्यास करेंगे। सांस लें और कम से कम 10 सेकेंड तक पॉस्चर को रोकें। 10 सेकेंड नहीं रोक सकते हैं तो सिर्फ 5 सेकेंड रोकें, और फिर उसके बाद हेड को ड्रॉप कर दें, ऐसे। 1 बार और इसका अभ्यास करेंगे। सांस लें, पॉस्चर को रोकें, या अगर आपको पॉस्चर को रोकने में और सांस रोकने में दिक्कत आ रही है तो फिर सांसें लेते और छोड़ते रहें, और फिर ऐसे हेड ड्रॉप करके और दोनों पैरों के बीच में फासला करें, और कम से कम 30 सेकेंड के लिए फिर से रेस्ट करेंगे अगले पॉस्चर के।
एक चीज का ध्यान रखिए कि बहुत से लोग ना आसनों का अभ्यास करते करते बीच में रेस्ट नहीं करते हैं, तो बीच में रेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि बॉडी को पहले आपने स्टिमुलेट किया, फिर उसके बाद आप उसको रेस्ट करवाएं, फिर उसके बाद स्टिमुलेट यानी एक्टिवेट किया, फिर उसको रेस्ट करवाएं। तो रेस्ट करते करते अभ्यास करें तो आप ज्यादा देर तक योगा अभ्यास कर पाएंगे, थकान नहीं होगी आपको। अब हम अगले आसन के अभ्यास करने के लिए अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएंगे। ऐसे पीठ के बल लेटने के बाद अब हम क्या करेंगे, हलासन का अभ्यास। बहुत से लोगों को हलासन के अभ्यास में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे सारे अभ्यास करें जिससे स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी आपकी फ्लेक्सिबल हो जाए। तो हलासन के अभ्यास के लिए तो आप धीरे से अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री ऐसे उठा के और ऐसे सर के ऊपर जाने दें, और जो गर्दन पर दबाव आ रहा है इसको महसूस करें। जब आपको लगे कि कमर के पीछे से अपने दोनों हाथ हटा सकते हैं तो दोनों हाथों को ऐसे आप अपनी मैट पर ड्रॉप कर दें और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए सांस लेते और छोड़ते हुए कम से कम इस पोस्चर को 30 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे यहीं पर। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब आपको पोस्चर को रिलीज करना है तो ऐसे घुटनों को बेंड करें और वर्टीब्रा बाय वर्टीब्रा धीरे धीरे ऐसे ड्रॉप कर दें। तो इस आसन के अभ्यास से आपके गर्दन, पहले जो हमने अभ्यास किया उनसे हमारी गर्दन की के आसपास की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां, उनमें बहुत अच्छा एक्सटेंशन हो रहा था। इस अभ्यास से हमारी गर्दन पर हमने एक दबाव महसूस किया और कॉन्ट्रैक्शन महसूस किया। एक बार और देखिए। अब अगर आप इस तरीके से अभ्यास करने में असमर्थ हैं कि पैर पूरा पीछे ना जा पाए तो आप इतना अभ्यास करें, इतना, और अपने पैर के नीचे एक कुर्सी रख लें, इतना। इतने में भी अगर आपकी गर्दन पर हल्का दबाव आ रहा है, क्योंकि शुरू शुरू में आपकी गर्दन पे ऐसे दबाव आने से आपको घुटन भी महसूस हो सकती है। ब्रीद करते रहें और फिर पोस्चर को जब रिलीज करना है घुटनों को बेंड करें और धीरे धीरे ड्रॉप कर दें। तो अगर आपको जितना आप ज़्यादा पीछे अपने पैर को ले जा सकते उतना पीछे लेके जाएं, इससे गर्दन पर आपके अच्छा खासा एक दबाव पहुंच जाए। अब हमने अभ्यास किया कि गर्दन को लॉक कर दिया। अब अगला अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में भी आपके गर्दन पर हल्का दबाव पड़ता है ना, दबाव पड़ता है। तो हम वैसे आसनों का अभ्यास करें जिससे गर्दन पर दबाव मिले, एक्सटेंशन मिले, दबाव मिले, एक्सटेंशन मिले। तो अब क्या करना है, सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज में दोनों पाम्स को आपको ऐसे अपने बॉडी के साइड में रखना है और फिर धीरे से अपनी दोनों घुटनों के बीच में फासला कर रखा है अपने कंधे जितना, ऐसे इतना फासला कर रखा है, ठीक है। ऐसे जोड़ के नहीं रखना, ऐसे फासला करके रखना है। तो ऐसे रख लें और फिर दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें और धीरे से अपनी हिप को ऐसे धीरे 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 ऐसे पुश करें ऊपर। अब अगर आप यहाँ पर इतने में ही सिर्फ कंफर्टेबल हैं, यहाँ पर होल्ड करें, गर्दन पर ऑलरेडी आपको एक दबाव महसूस हो रहा होगा, और अगर धीरे से अपनी कमर को सपोर्ट देना चाहते हैं तो इस तरीके से जब आप सपोर्ट देंगे तो आपकी गर्दन पर और अच्छा दबाव आप महसूस कर रहे हैं। सांसें लेते और छोड़ते रहें और इस पोस्चर को भी कम से कम 30 सेकेंड ऐसे होल्ड करके रखेंगे और फिर उसके बाद हिप को ड्रॉप कर देंगे। फिर से देखिए, सांस लीजिए या तो यहाँ रुक जाइए, ठीक है। अगर दोनों हाथों को कमर के नीचे लगाना चाहते हैं तो कमर के नीचे लगाइए और थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए लिफ्ट करते रहिए, हिप को लिफ्ट करते रहिए ताकि आपकी गर्दन जो है लॉक हो जाए, और ब्रीद करते हुए ध्यान को गर्दन पर लेके आए और रेस्ट करें। अब हम अगले आसन का अभ्यास कर रहे हैं जिसका नाम है मत्स्यासन या फिश पोज। तो पहले शुरू के जो दो आसन किए, उष्ट्रासन और भुजंग आसन, उसमें हमारी गर्दन पर बहुत अच्छा एक्सटेंशन हुआ। फिर दो आसन का अभ्यास किया, सेतुबंध आसन और हल आसन, जिसमें गर्दन पर हल्का दबाव आया। मत्स्यासन का अभ्यास करने से बहुत अच्छी तरीके से आपकी गर्दन पर फिर से एक एक्सेसिव स्ट्रेच आप महसूस करते हैं। ये सारे आसन रामबाण है आपकी थायराइड को बैलेंस करने के लिए। तो मत्स्यासन का अभ्यास करने के लिए आइए हम अपनी योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाते हैं। पीठ के बल लेट जाने के बाद दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेंगे और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रख लेंगे। अब देखिए, आपके सर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ना, क्राउन एरिया है, उसको आपको अपनी योगा मैट पर प्लेस करना होगा।
तो यहाँ पर एग्जैक्टली इस जगह पर आपको बैलेंस करना है, अपने सर को रखना है। तो ये मैंने अलग से दिखला दिया आपको। अब अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें ऐसे, और मैं सबसे इजीएस्ट तरीका अभी बता रही हूँ ताकि सभी इसका अभ्यास कर सके। धीरे से आप हल्का आधा उठें, आधा उठने के बाद आप अपने क्राउन, जो अभी मैंने क्राउन एरिया बताया है, अपनी बॉडी को इस तरीके से एडजस्ट करें कि आपका क्राउन एरिया जो है आपके मैट पर ड्रॉप हो गया है और आपकी बॉडी जो है एल्बो पर बैलेंस कर रही है। एल्बो बहुत बाहर ऐसे ना रखें, एल्बो को बॉडी के पास रखें और ब्रीद करते रहें। अपनी एब्डोमिनल मसल्स को हल्का सा अंदर की तरफ पुल करके रखें और यहाँ पर पॉस्चर को कम से कम 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ऐसे। और फिर जब रिलीज करना है तो धीरे से अपनी बॉडी को ऐसे ड्रॉप कर दिया। आप देखेंगे कि जब आप गर्दन को एक्सटेंड कर रहे हैं ऐसे, दोनों पाम्स को बॉडी के साइड में रखा, और जब क्राउन एरिया को पैरों को सीधा कर लें ऐसे, और गर्दन को इस तरीके से उठा के ऐसे इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं गर्दन का एक्सटेंशन और ब्रीद करते रहें ऐसे, और फिर उसके बाद पॉस्चर को रिलीज कर दें। ये सारे अभ्यास करने के बाद फिर आप शवासन में आसानी से आराम से लेटे जरूर। बहुत से लोग शवासन नहीं करते हैं, शवासन में लेटे और आराम करेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। तो देखा आपने स्टेप बाय स्टेप कितनी आसानी से मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप ये 5 योगासनों का अभ्यास करके अपने थायराइड जो डिसऑर्डर है उसको ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जाने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से टॉपिक पे आप फ्यूचर वीडियोस देखना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सजेस्ट किए हुए टॉपिक पर वीडियो बना के, तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आप सभी अपना खूब ख्याल रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। नमस्ते।